प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखे। कोई भी एग्जाम होता है, मेरा रिजल्ट आता है और उस वक्त में हमसे कोई भी पूछ देता है, यदि कोई भी आपको गांव घर में कोई भी पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि कितना प्रतिशत रिजल्ट आया। और उस वक्त उस परिस्थिति में हम लोगों को या तो नहीं आते रहता है, नहीं तो जिस सबको आते रहता है वह बता देता है। यदि नहीं आता है तो उसके आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है, इसको आप अंत तक देखें, आपको एकदम 100% रिजल्ट का प्रतिशत निकालना आ जाएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए हमारा जो जरूरी कदम होता है वह हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? वह हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप पूरा पता कर लीजिए कि कितना नंबर का आपका कुल एग्जाम है, यानी कि कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है? कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है? कितना नंबर का एग्जाम हुआ, जैसे आपको अभी हाल ही फिलहाल में आपको यानी कि एग्जाम हुआ है मैट्रिक का, कुल मिलाकर के कितने नंबर का हुआ है, यानी कि 600 नंबर का हुआ है, जिसमें से 100 नंबर जो होता है क्या चीज़ का होता है, इंग्लिश का होता है, ठीक है? 100 नंबर क्या चीज़ का होता है, इंग्लिश का, जो कि यह नंबर कहीं भी नहीं जुटता है, चाहे एग्जाम में परसेंटेज में भी यह नंबर नहीं जुटता है। इसीलिए आपको जब भी बिहार बोर्ड का यानी कि मैट्रिक का एग्जाम का प्रतिशत निकलेगा तो कितना का निकलेगा, यानी कि 500 नंबर का, यानी कि कौन से एग्जाम का, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम का आप प्रतिशत निकालिएगा तो कितना का है, यानी कि 500 नंबर का ही एग्जाम आपको मायने रखता है, इंग्लिश का नंबर आपको उसमें मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो यानी कि आपका कुल मिलाकर के कुल एग्जाम कितना का हुआ, 500 नंबर करके। और दूसरा का यानी कि आपको क्या जरूरी होता है निकालना, यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ, यानी कि प्राप्त हुआ कितना नंबर, प्राप्त हुए नंबर कितना है, ठीक है? यानी कि प्राप्त आपको कितना नंबर हुआ, तो यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ, 350, ठीक है? आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ, 350, यानी कि 350 नंबर। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालिएगा, सबको अलग अलग आता है, मान लीजिए किसी का 250 भी आता है और किसी को 300 भी आता है, ठीक है? यदि आपको एक नंबर का एग्जाम, एक नंबर का यदि आपको प्रतिशत निकालने आ गया तो आपको जितना भी नंबर आ जाए उसका आप प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले आप यह कंफर्म हो जाइए कि आपको कितना नंबर आया है, 350 नंबर आया, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यानी कि 350, यानी कि 350, ठीक है? 350 सबसे पहले आपको कितना नंबर आया उसको ऊपर में लिख दीजिए, 350, और फिर बटे में, यानी कि बटे में आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, तो 300, यानी पूरा नंबर का एग्जाम कितना हुआ, 500 का, ठीक है? और यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो बिहार बोर्ड में जो नंबर कुल मिलाकर के जो आता है वह उसमें भी इंग्लिश का नंबर आपको ऐड नहीं हुआ रहता है, ठीक है? इंग्लिश का नंबर उसमें ऐड नहीं रहता है, इसीलिए हम 550 का प्रतिशत निकालेंगे। आपको कितना नंबर आया, 350, और फिर बटे में कितना है, यानी कि कुल नंबर आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, 500 नंबर का, और फिर हमेशा के लिए गुना कर दीजिए कितना से, 100 का। यानी कि प्रतिशत निकालना यदि आप सीखे होइएगा उसी वक्त में आपको पता हो गया होगा कि प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो हम 100 पे ही निकालते हैं, ठीक है? 100% पे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ठीक है? अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से कितना कट गया, 2 जीरो कट गया। अब इस 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35, और यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे क्या दे दिए, 1 जीरो दे दिए। यह अब मेरा निकल करके आ गया कि कितना नंबर हमको एग्जाम में आया। तो इस परिस्थिति में यदि आपको बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें आपको 350 नंबर प्राप्त होता है, तो सबसे पहले आपको जितना नंबर आया है उसको ऊपर रख करके आपको कुल नंबर का जो एग्जाम हुआ यानी 500 उसको नीचे रख करके 100 से गुना कर दीजिए, आपका जो आएगा वह आपका प्रतिशत आएगा, रिजल्ट का प्रतिशत। तो आप उस वक्त में कह सकते हैं कि मेरा कितना रिजल्ट है प्रतिशत, यानी कि 70% रिजल्ट है, ठीक है? आप इसको काटे हैं 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो, फिर 5 से इसको काटे हैं तो 7 पचे 35, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे हम बैठा दिए, और इस परिस्थिति में मेरा क्या आ गया, यानी कि यह फाइनली आंसर आ गया, ठीक है? अब इसका जो है आपको यानी कि 250 आ गया, 250 का कितना प्रतिशत, कितना नंबर पे, यानी 250 नंबर आया है मेरा, कितना नंबर पे, 500 नंबर पे, तो 500 गुना 100, ठीक है? और इसके लिए आपको मान लीजिए कि आप इससे बढ़ करके आपको दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हैं और अलग हट करके दे रहे हैं, तो जैसे कि कोई भी एग्जाम का कुल नंबर यदि आपको पूर रहा है, जैसे एग्जाम का कुल नंबर है 800 और इस परिस्थिति में आपको प्राप्त हुए कितना, प्राप्त नंबर हो गया यानी कि 400, तो इसका भी प्रतिशत निकालने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस है, यानी कि जो प्राप्त हुआ उसको सबसे पहले लिख दीजिए, ठीक है? और उसके बटे में क्या लिखिए, जो मेरा एग्जाम का आपका कुल नंबर है, ठीक है?
एग्जाम का आपका कुल नंबर है उसको नीचे रखिए और फिर 100 से गुना कर दीजिए, जितना आता है वह आपका आंसर हो जाएगा।